खबर शामिल करते हैं। साहिवाल से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस अल्ताफ सैन की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस बीट नंबर 15 साहिवाल के अफसरान ने इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस खालिद महमूद साहब और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस महबूब असलम साहब की हिदायत पर कौमी शाहराहों को हादसा से महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों और लेन वायलेशन करने वाले गाड़ियों के खिलाफ रोड सेफ्टी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस मुहिम के दौरान मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगा, हेलमेट मोटरसाइकिल से गिरने की सूरत में सर की चोट से महफूज रखता है और इंसानी ज़िंदगी को बचाने में मददगार साबित होता है। इस सिलसिला में मोटरवे पुलिस बीट नंबर 15 साहिवाल के अफसरान ने टाल प्लाजा कैम्बर और मोटरवे पुलिस गाइडेंस सेंटर साहिवाल में रोड सेफ्टी स्टॉल भी लगाए, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और साइड व्यूज मिरर का इंतजाम किया गया और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस की हिदायत पर मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट और साइड व्यू मुकर्रर तकसीम किए और साथ ही बगैर हेलमेट के सफ़र करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मोटरवे पुलिस अफसरान ने लेन वायलेशन करने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सिलसिले में लेन वायलेशन को बजरिया स्पेशल ऑब्जर्वर करके कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा तमाम रोड यूज़र को मुतनब्बे किया जाता है कि लेन वायलेशन से गुरेज करें, सेकंड लेन सिर्फ ओवरटेक करके इस्तेमाल करें और ओवरटेक करके वापस फर्स्ट लाइन में आ जाएं ताकि पीछे से आने वाली ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। इस कंपेन के दौरान नतीजे बरामद होंगे और हादसात में नुमाया कमी वाकई होगी। अगर आपके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग इतनी ही नाजुक है तो स्विच टू पेल विद इंस्टाकूल, पाकिस्तान्स फास्टेस्ट कूलिंग रेफ्रिजरेटर।